नमस्कार, जनादेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण का चुनाव कल है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। तीसरा चरण सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए निर्णायक है और इस चरण के लिए चुनाव आयोग ने भी कई कदम उठाए हैं, जिसे हम अपने आधे घंटे के कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे। केरल और तमिलनाडु में राजनीतिक सरगर्मियों को भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं अभी तक की सुर्खियां। पश्चिम बंगाल के तीसरे चरण की 62 सीटों के लिए मतदान कल सुबह 7 बजे से। चुनाव आयोग ने किए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। 418 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। यूडीएफ ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। लोक लुभावन वायदों का खोला पिटारा। उधर कल जारी हुए एलडीएफ के घोषणा पत्र में भी वायदों की लगी झड़ी। करुणा निधि पर आपत्तिजनक बयान देने के लिए चुनाव आयोग ने वाइको को कारण बताओ नोटिस किया जारी। उधर ममता बनर्जी को 22 अप्रैल तक देना है जवाब। और चौथे दौर के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री गुरुवार को पश्चिम बंगाल के बाशरहाट और हावड़ा में 2 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण की 62 विधानसभा सीटों के लिए मतदान की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस दौर में मुर्शिदाबाद की 22 सीटों पर चुनाव होना है, नादिया की 17 सीटों पर, कोलकाता उत्तर की 7 और वर्धमान जिले की 16 सीटों पर करीब 1,37,42,000 मतदाता इस चरण में 418 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सीपीएम राज्य सचिव सूर्यकांत मिश्रा समेत कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतरे तीसरे चरण के लिए। इन 62 सीटों के लिए 418 उम्मीदवारों में 34 महिलाएं हैं। इस दौर में 61 करोड़पति उम्मीदवार हैं और करीब 80 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के लिए 4 जिलों की 62 सीटों के लिए मतदान के लिए जहां मतदाता 418 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे, चुनाव आयोग ने भी इन सीटों में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त चुनाव के जो कदम उठाए हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल चुनाव के तीसरे चरण में शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा बलों की लगभग 700 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा राज्य पुलिस के 25,000 से अधिक जवान भी सुरक्षा के मद्देनजर तैनात किए गए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान मिल रही शिकायतों के आधार पर चुनाव आयोग ने सिर्फ कलकत्ता उत्तर की 7 सीटों पर सुरक्षा को और कड़ा कर दिया है। केवल इस इलाके में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 61 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा राज्य पुलिस के 8,000 जवान भी चुनाव ड्यूटी पर होंगे। चुनाव आयोग 1531 बूथों पर सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखेगा, साथ ही 2425 बूथों पर वीडियोग्राफी भी की जाएगी। तीसरे चरण के दौरान 3376 माइक्रो ऑब्जर्वर होंगे। सुरक्षा के नजरिए से 236 क्विक रिस्पांस टीम, 196 मोबाइल टीम, 190 फ्लाइंग स्क्वाड, 197 स्टैटिक सर्विलांस टीमें भी तैनात रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में कल होने वाले तीसरे चरण के चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण चुनाव की उम्मीद जताई है। At the polling station, there will be the CRPF and there will be one lathi-wielding state police who will be in charge of maintaining the queue outside the polling station itself. And there will be the outer ring interventions like quick response teams, like response teams, anti-mobiles, and then the sector officers and the teams. So even the sector forces, the QAT forces, the anti-mobile forces, all these will be having an element of central forces. So visibility of central force, increasing that is one of our major kind of challenges. निर्वाचन आयोग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है करके चरण के लिए। आइए एक नजर डालते हैं तीसरे चरण में कौन कौन से स्टार उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं, जिन पर सबकी नजरें रहने वाली हैं। इसमें प्रमुख उम्मीदवारों में सुब्रत साहा हैं, पश्चिम बंगाल में सरकार में मंत्री भी हैं। सागर दीही से टीएमसी के उम्मीदवार हैं। उज्ज्वल बिस्वास हैं, सरकार में मंत्री हैं। कृष्णानगर दक्षिण से टीएमसी के उम्मीदवार हैं। कई मंत्री टीएमसी के इस दौर में हैं। रविंद्र रंजन चौधरी हैं, पश्चिम बंगाल में वर्धमान दक्षिण टीएमसी के उम्मीदवार हैं। और साधन पांडे हैं,
माटिकटाला से। इसके अलावा जो पूर्व मंत्री हैं सीपीएम के हैं देवेश दास हैं इंटाला से, जो चुनावी मैदान में हैं अनीस उर रहमान हैं दोमकल से सीपीएम के उम्मीदवार हैं, मनोज चक्रवर्ती हैं बहरामपुर से, कांग्रेस के जमाने पूर्व मंत्री रह चुके हैं। तो ये कहा जा सकता है कि इस दौर में कई पूर्व मंत्री हैं जो चुनावी मैदान में हैं। सोमेंद्रनाथ मित्रा हैं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, चौरंगी से चुनावी मैदान में हैं। अबू हेना हैं लालगोला से, कांग्रेस की सत्ता के दौरान पूर्व मंत्री रहे हैं। मोहम्मद सोहराब हैं कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं जंगीपुर से। राहुल सिन्हा हैं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, जरांसको से उम्मीदवार हैं ये। तो इन तमाम स्टार उम्मीदवारों पर सबकी नजरें रहेंगी। वहीं तीसरे चरण में 62 सीटों के लिए 21 तारीख यानी कल मतदान होगा। चाक चौबंद सुरक्षा के बीच होने वाले इस मतदान में आयोग ने वैसे अपराधियों को जिला बदर किया है जिनके खिलाफ अपराध के गंभीर मामले चल रहे हैं। इसके अलावा बाहर से किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करने वालों के खिलाफ आयोग कड़ी निगाह रख रहा है। बंगाल से सटे राज्यों की सीमाओं को सील कर दिया गया है। मतदान के पहले या मतदान के दिन अगर कोई किसी मतदाता को डरा धमकाएगा तो उसकी भी खैर नहीं। कुछ ऐसे दुर्दांत अपराधी जिन्हें हाल ही में कोर्ट से बेल मिली है उन्हें मतदान होने वाले जिले से बाहर कर दिया गया है। इफ अल्टीमेटली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे गेट बेल एंड देयर आउट नेचुरली दे विल बी आउट देयर इज नो वे ऑफ काइंड ऑफ अगेन इफ दे काइंड ऑफ एंगेज देमसेल्फ्स इन एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी व्हिच इज डेट्रिमेंटल टू इलेक्शंस पॉजिटिवली एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट। बंगाल में चुनावों का इतिहास पूर्व के कई वर्षों तक रक्त रंजित रहा है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से आयोग की सख्ती के बाद इस पर काबू पा लिया गया है, लेकिन मतदाताओं के मन में अभी ये शंका बनी हुई है कि मतदान के पूर्व मतदाताओं को मिलने वाली धमकियों पर प्रशासन काबू पाएगा या नहीं। हालांकि चुनाव आयोग के इंतजाम से मतदाताओं में सुकून का भाव है। जो क्रिमिनल लोग क्यों रहेगा चुनाव का टाइम में, ये लोग कुछ भी मैनिपुलेट वगैरह कर सकता है ना। ये बहुत अच्छा डिसीजन है। इलेक्शन का टाइम में क्या होता है, आप जो पूछ रहे हैं अभी बोमा गिरेगा हम लोग नहीं जाएगा, ऐसे होता नहीं। आयोग ने चुनाव को साफ सुथरा आयोजित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। फिर भी इस चरण में 80 वैसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें 63 पर गंभीर, 5 पर हत्या और 1 पर बलात्कार से संबंधित मामला है। बेल पर छूट कर आए कुछ अपराधियों को चुनाव आयोग ने जिला बदर कर दिया है। इसके साथ ही आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को आयोग ने हिदायत दी है कि आप अपने घरों में ही रहें, मतदान की गतिविधियों से संबंधित किसी भी विषय से दूर ही रहें, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। कैमरामैन आदित्य के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज कोलकाता। और इस बीच बंगाल से हमारे संवाददाता कुमार आलोक कोलकाता से और अश्विनी मिश्रा मुर्शिदाबाद से जुड़ रहे हैं। हम दोनों के पास भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से, राज्य में हो रहे चुनाव को लेकर। आलोक, सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे, जो कुछ एक तरह से बड़े क्रिमिनल हैं जिनको जमानत पे छोड़ा है उन्हें जिला बदर भी किया गया है, लेकिन लोगों में एक खौफ रहता है इस तरह के क्रिमिनल्स का बाहर आने का, लोगों में किस तरह का असर, और सुरक्षा इंतजाम काफी किए गए हैं चुनाव आयोग भी कह रहा है, क्या दिखती है जमीनी तस्वीर लोगों में, क्या इनका खौफ भी दिखाई देता है? देखिए, चुनाव आयोग का काम है चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से उसे संपन्न कराना, और इसमें चुनाव आयोग सफल रहा है। जो इतिहास आप देखें, अगर 20 सालों का 15 सालों का इतिहास देखें तो बिहार जैसे राज्य में जो जिसका चर्चित रहा है पूरे देश में, वहाँ देखिए कि कहीं पत्ता नहीं खड़का पिछले 3 चुनावों से। उसी तरीके से बंगाल में भी जब चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव, तो वहाँ पर जो स्थितियाँ होती हैं बिल्कुल सही होती हैं। लेकिन आप नगरपालिका का चुनाव देखें, आप ग्राम पंचायत का चुनाव देखें, तो अगर लेफ्ट पार्टी की सरकार रही हो, चाहे ममता बनर्जी की सरकार रही हो, आपको ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे कि बहुत सारे ग्राम पंचायतों में जो दूसरी पार्टी के लोग होते हैं वो नॉमिनेशन तक नहीं कर पाते डर से, और लगभग 30% 20% उम्मीदवार ऐसे होते हैं जो अनकंटेस्टेड जीत जाते हैं, कोई उनके खिलाफ नॉमिनेशन करता ही नहीं है। तो इन चुनावों पर भी अगर आयोग कड़ी नजर रखे तो फिर वो एक परंपरा बन जाएगी और मतदाताओं को स्वतंत्र मतदान करने का मौका मिलेगा। लेकिन जहां तक बंगाल में बात है, हमने कई मतदाताओं से बात की तो उनका अभी भी ये कहना है कि हम तो चुनाव में
मतदान करना चाहेंगे, लेकिन मतदान के पूर्व धमकियां यहां मिलती है। पूर्व की सरकारों ने भी, लेफ्ट की सरकार ने भी, जो उनके कैडर्स थे वो दूसरे पार्टी के लोगों पर जाके कहते थे कि अगर मतदान करने निकलोगे तो कल तुम्हारे पूरे परिवार को सफाया कर देंगे। तो वो जो एक चीज़ है वो राज्य प्रशासन का काम होता है कि मतदाता निर्भीक होकर मतदान करे। और तृणमूल शासन के दौरान भी ऐसा हुआ है कि अगर जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं उनके घरों में, जो गरीब हैं उनके घरों में जाकर रात को ही धमकी दे दी गई, 3 दिन पहले ही धमकी दे दी गई कि अगर तुम चुनाव देने जाओगे, वोट देने जाओगे तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। तो ये राज्य प्रशासन का मामला है, ये राज्य प्रशासन का काम है। पश्चिम बंगाल का भी इतिहास रहा है लंबा, जिसमें चुनाव में हिंसा रही है, मतदान केंद्रों पर हिंसा होती रही है, लेकिन इस बार का ये जो तीसरे चरण का जो चुनाव है बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है पार्टियों की राजनीतिक छवि और उनकी जमीन खिसकने के लिहाज से भी। उसको लेकर जो कलकत्ता की 7 सीटों पे तमाम जो ऐसे पूर्व मंत्री भी हैं और जो भावी भी मंत्री हैं वो भी चुनावी मैदान में हैं, कितना महत्वपूर्ण लगता है ये दौर? देखिए, ये जो दौर है वो तय करेगा कि सत्ता की सीढ़ी पर कौन चढ़ेगा, कौन मजबूती से चढ़ेगा। जो 68 सीटें जो आप बता रही हैं, जिसमें कि उत्तरी कोलकाता से लेकर के नदिया जिले से लेकर के मुर्शिदाबाद से लेकर के जो सारे जो जिले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुर्शिदाबाद की अगर हम कहें तो मुर्शिदाबाद वहाँ पे कांग्रेस का गढ़ रहा है। अब देखना है कि टीएमसी और बीजेपी वहाँ पे एक जो त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है वो वहाँ पर क्या गुल खिलाती है। और उत्तर जो कोलकाता की जो 7 सीट है उस पर टीएमसी का एक तरह से एकाधिकार रहा है पिछले कई वर्षों से, लेकिन यहाँ भी एक त्रिकोणीय फाइट देखने को मिल रही है। मैं अगर बीजेपी की बात करूँ तो राहुल सिन्हा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जोड़ासांग का जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ वो उनकी बहुत ही मजबूत उपस्थिति है। और अगर लोकसभा की हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में राहुल सिन्हा उत्तर कोलकाता से उम्मीदवार थे और 84 सीट पर बीजेपी ने बढ़त पाई थी लगभग 23,000 वोटों से। उसी तरीके से भवानीपुर जो विधानसभा है जहां 30 तारीख को चुनाव होगा, ममता बनर्जी का वो सीट है और वहां से बीजेपी ने 335 वोटों की बढ़त प्राप्त की थी लोकसभा चुनाव। तीन चरण और अभी बाकी हैं, बात करेंगे और हम आपसे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं और देखते हैं कुछ और खबरें। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा। किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। बच्चों, आज हम ऑड इवन के बारे में पढ़ेंगे। ऑड इवन का मतलब? मैम, 15 अप्रैल। नहीं मैम, 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। ऑड का मतलब ऑड डे पर ऑड नंबर की गाड़ी, और इवन डेट पर इवन नंबर की गाड़ी। बच्चों को भी पता है, क्या आपको पता है? दिल्ली में 15 से 30 अप्रैल तक लागू है ऑड इवन, ताकि प्रदूषण और ट्रैफिक जाम से मिले दिल्ली को राहत। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया, इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। आज मेरा एग्जाम है। अच्छा होगा डेविड, गुड लक। आज रिजल्ट आएगा। बेस्ट ऑफ लक। इस बार क्लास में फर्स्ट आया है डेविड और सेकंड आई है रिया, थर्ड है असलम। पर अब क्या हुआ डेविड? मुझे आगे पढ़ना है पर पापा कहते हैं पैसे नहीं है। पैसे नहीं है वो देखो, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक समुदाय के उन बच्चों के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1,00,000 रुपए से कम है और जिन्होंने पिछली कक्षाओं में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है।
अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.minorityaffairs.gov.in पर या कॉल करें टोल फ्री नंबर 1-800-112-001 पर। सबका साथ सबका विकास। अरे मेला है मेला है मेला है ग्राम उदय का मेला है। हर पंचायत में लाया नया सवेरा है, नया सवेरा है। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान 14 से 24 अप्रैल 2016 को प्रत्येक ग्राम पंचायत में आजादी के बाद पहली बार गांव, किसान और गरीब के विकास के लिए ग्राम उदय से भारत उदय समारोह। दूसरा चरण 17 से 20 अप्रैल को ग्राम किसान सभा, जिसमें मिलेगी कृषि संबंधी सभी योजनाओं की जानकारी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना, मिट्टी जांच, नीम कोटेड यूरिया जैसे अन्य कई कार्यक्रम की जानकारी गांव वालों को दी जाएगी। मेला है भाई मेला, ग्राम उदय का मेला है। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान। अधिक जानकारी के लिए अपने ग्राम पंचायत से संपर्क करें। और एक बार फिर जनादेश में आपका स्वागत है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को कालीघाट स्थित उनके घर पर कारण बताओ नोटिस दोबारा भेजा है। आयोग ने ममता को जवाब देने के लिए 22 अप्रैल तक का समय दिया है। इससे पहले चुनाव आयोग को दिए गए जवाब से आयोग संतुष्ट नहीं हुआ। ऐसे में ममता के लिए मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी की तरफ से पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव द्वारा दिए गए जवाब को खारिज करते हुए कहा है कि इस नोटिस का जवाब खुद ममता बनर्जी को देना चाहिए था और इसके लिए आयोग ने आखिरी तारीख 22 अप्रैल की तय की है। आयोग ने अपनी कड़ी चिट्ठी में कहा है कि आचार संहिता उल्लंघन के मामले में नोटिस पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी को दिया गया था, लिहाजा इसका जवाब भी उन्हें ही देना चाहिए। आयोग ने जोर देकर कहा कि अगर ममता इस नोटिस का जवाब 22 अप्रैल तक देने में नाकाम रहती है तो उसके बाद आयोग उनकी राय सुने बिना अपना फैसला ले सकता है। गौरतलब है कि ममता बनर्जी ने एक चुनावी रैली में आसनसोल को जिला बनाने का वायदा किया था और इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए आयोग ने एक नोटिस ममता बनर्जी को दिया था। आयोग का नोटिस मिलने के बाद ममता ने दूसरी चुनाव रैली में भड़क कर कहा था कि आयोग चाहे जितनी बार नोटिस दे वह हजार बार ऐसी बातें कहेंगी। इधर आयोग ने ममता के नजदीकी माने जाने वाले और सत्ताधारी दल के पक्ष में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने के आरोप में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को हटा दिया, लेकिन चुनावी घमासान के बीच चुनाव आयोग के साथ इस तरह आमने सामने की लड़ाई में उतरी ममता बनर्जी लोकतंत्र के पर्व को खटास में भर रही हैं, ये तय है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ मंजित ठाकुर, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल के तीन चरण के चुनाव अभी बाकी और ममता बनर्जी लगातार एक न एक मामले में फंसती जा रही हैं। तीसरे चरण का कल जो चुनाव होना है उसमें चुनाव आयोग ने अपनी पूरी तैयारियां की हैं और उस तैयारी का जायजा लिया हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा ने। इस चरण में कुल 1,37,42,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। 22 सीटों वाले मुर्शिदाबाद में सर्वाधिक 169 उम्मीदवार हैं और 7 सीटों वाले उत्तर कोलकाता में सबसे कम लेकिन फिर भी 58 उम्मीदवार मैदान में हैं। निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए कुल 16,461 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 436 महिला परिचालित मतदान केंद्र हैं। राजनीतिक रूप से काफ़ी चर्चित रहने वाले इन जिलों में कुल 3,401 संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान की गई है। भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और राज्य पुलिस बल के अलावा करीब 700 केंद्रीय वाहिनी के साथ साथ राज्य पुलिस बल काफ़ी मात्रा में तैनात किया गया है। पोलिंग पार्टीज अपने गंतव्य की तरफ रवाना होने के लिए तैयार हैं। खुद हम इनसे जानते हैं कि किस तरीके की व्यवस्था है और किस तरीके की तैयारी है। आप ये बताएं कि ये मशीन पूरी तरीके से अच्छे से काम कर रही है? जी हाँ, ठीक है। साफ तौर से देख सकते हैं कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सारी तैयारियां मुकम्मल है। साल 2011 के विधानसभा चुनाव में इन 62 सीटों पर 85% से ज़्यादा मतदान हुआ था। मौजूदा विधानसभा के दोनों चरणों में 80% से ज़्यादा मतदान हुआ है। उम्मीद करेंगे कि तीसरे चरण में भी जनता का जोशो खरोश बरकरार रहेगा। जनता अपने पसंद का उम्मीदवार तो चुनेगी ही, साथ ही साथ इस लोकतंत्र को और मजबूत करेगी। कैमरा पर्सन एल लक्ष्मीकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, बहरामपुर।
और अश्विनी मिश्रा हमारे साथ बहरामपुर से ही जुड़ रहे हैं। अश्विनी, हमने देखा कि चुनाव आयोग की तो तैयारियां पूरी पुख्ता हैं कि चुनाव मतदान जो परसेंटेज था उसको बरकरार रखने के लिए, लेकिन ये जो 62 सीटें हैं उसमें मुर्शिदाबाद की अगर बात करें 22 सीटें हैं यहाँ से, और 2011 में 14 सीटें कांग्रेस को मिली थी और 2006 में 13 सीटें लेफ्ट को मिली थी, और कहा जाता है कि ये गढ़ है कांग्रेस का। लेकिन इस बार ममता बनर्जी लगातार कह रही हैं कि एक उल्टी हवा बह रही है, उनके इस दावे के पीछे का आधार क्या लगता है आपको? आप इतने लंबे समय से इन इलाकों में हैं ऋतु, अगर देखिए उनके इन दावों के आधार की अगर बात करें तो मुर्शिदाबाद, नादिया, वर्धमान और इन जिलों में अगर टीएमसी की कोशिश ही है कि किसी तरीके से कांग्रेस के गढ़ में अपनी सेध लगा सके। इससे पहले जो मालदा का चुनाव हुआ था वो भी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, वहाँ पर सेध राजनीतिक तौर से नहीं लगाए लेकिन पारिवारिक तौर से सेध लगाए गए थे, एक ही घर के राजनीतिक कद्दावर प्रत्याशी सब आमने सामने थे। मुर्शिदाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस और लेफ्ट का जो गठबंधन हुआ है वो केवल 12 सीटों पर हो सका है, 22 सीटें हैं, 10 सीटों पर वो खुद ही आमने सामने हैं। तो ये एक असमंजस सी स्थिति पूरे बंगाल में भी जाती है और ख़ासतौर से पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में जाती है। और कुछ ऐसी सीटें थी पिछले चुनाव में मुर्शिदाबाद में जब कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस दोनों एक साथ लड़े थे, तो जहां पर तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशियों ने बेहतर प्रदर्शन किया था। अभी मुकाबला त्रिकोणीय है क्योंकि बीजेपी भी एक अच्छी ताकत है, लोकसभा चुनाव में उसे तकरीबन 17% वोट मिले थे और भाजपा का जनाधार भी तेजी से पार्टी यहां बढ़ाने की कोशिश में है। तो ऐसे में कांग्रेस अपना ये किला बचा पाएगी, वामपंथी अपनी कितनी यहां पर स्थिति मजबूत रख पाएंगे और बीजेपी यहां पर कितना अपना अपनी पैठ बनाकर कितनी सीटें हासिल कर सकेंगी, ये देखने वाली विषय होगी। ऋतु, सभी पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, आप दोनों ही संवाददाता हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जनादेश में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे केरल और तमिलनाडु में किस तरह की राजनीतिक सरगर्मियां, बात करेंगे अपने संवाददाताओं से भी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अब सिर्फ 31,000 रुपए में खुशियां घर लाइए, बजाज सिटी 100, खुशियों का जैकपॉट। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया, इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। प्रियंका भारती? हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका, अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मरद से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मरद ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें, जहां सोच वहां शौचालय। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया, इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। और जनादेश में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कल तीसरे चरण का मतदान होने पश्चिम बंगाल में, हमारे साथ हमारे दोनों ही संवाददाता जुड़े हुए हैं, आलोक और अश्विनी। आलोक, आपसे जानना चाहेंगे, ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने जिस तरह से दोबारा नोटिस दिया है और असंतुष्ट रहा उनके जवाब से, जवाब के तरीके से, क्या आने वाले चरणों के लिए भी मुश्किलें ममता बनर्जी की बढ़ती दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने रिएक्ट किया चुनाव आयोग की निर्णय को, वो करते रहे, मैं भी 100 बार बोलती रहूंगी। आज मैं जब चुनाव आयोग के कार्यालय में था, तो जब मैंने ये प्रश्न किया चुनाव रीजनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से कि अगर दोषी पाई गई ममता बनर्जी तो ज़्यादा से ज़्यादा और कड़ा से कड़ा क्या चुनाव आयोग निर्णय ले सकता है ममता बनर्जी के खिलाफ, तो उनका चुनाव आयोग का यही कहना था कि दिस इज द प्राइवेट,
ये हम आपको अभी नहीं बताएंगे। तो ये एक संभावना जताई जा रही है कि बहुत ही कड़ा एक्शन लिया जा सकता है अगर गैर जिम्मेदाराना अगर उनकी आदत बिल्कुल आलोक तरीके से बिल्कुल आलोक। चुनाव आयोग ममता बनर्जी के इस पूरे रुख से काफी खफा दिखाई देता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोनों ही संवाददाता का, बहरामपुर से अश्विनी का और कोलकाता से आलोक का। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, केरल की बात करते हैं। केरल के दो बड़े गठबंधनों एलडीएफ और यूडीएफ ने विधानसभा चुनावों के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इन दोनों गठबंधनों के घोषणा पत्र में काफी समानताएं हैं तो काफी कुछ नई घोषणाएं भी की गई हैं। केरल के दो बड़े दलों ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दोनों ही दलों ने युवाओं को ध्यान में रखते हुए बेरोजगारी को लेकर एक लुभावनी तस्वीर दिखाने का प्रयास किया है। एलडीएफ ने जहां 25 लाख नौकरियों के सृजन का वादा किया है, वहीं यूडीएफ ने 5 साल में 15 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। एलडीएफ ने सत्ता पर काबिज यूडीएफ को घेरते हुए केरल को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का वादा किया है। शराब के मुद्दे पर एलडीएफ ने चरणबद्ध तरीके से शराब की उपलब्धता कम कराने और व्यापक शराब रोधी अभियान चलाने की बात कही है। एलडीएफ ने कहा कि अगर वाम मोर्चा सत्ता में आती है तो वो सुनिश्चित करेगी कि रबड़ को कृषि फसल घोषित किया जाएगा। यूडीएफ ने किसानों के लिए कम ब्याज दर पर ऋण देने का वादा किया है। 1000 नए स्टार्टअप्स में 2 लाख रुपए की सहायता देने का और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने का वादा किया है। दोनों ही गठबंधनों ने पीडीएस में 5 वर्षों तक कीमत में कोई बदलाव न करने का वादा किया है। एलडीएफ ने भ्रष्टाचार मुक्त केरल और नए केरल का वादा किया है। उन्होंने पारंपरिक उद्यमों और महिलाओं के लिए नया विभाग वैधानिक पेंशन योजना शुरू करने के साथ ही मध्यपुर से लौटने वालों के लिए नया बैंक बनाने, घर बनाने के लिए सस्ता रेत और चूना पत्थर देने की बात कही है। यूडीएफ ने मेडिकल इंश्योरेंस और दवाइयों के दाम घटाने का वादा किया है। साथ ही बेघरों के लिए घर बनाने का वादा और ऑपरेशन कुबेर को बढ़ावा देने की बात कही है। दोनों ही गठबंधनों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब देखते हैं चुनाव से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। चौथे दौर के चुनाव के लिए पार्टी के चुनाव अभियान को गति देने के लिए प्रधानमंत्री गुरुवार को पश्चिम बंगाल आएंगे। प्रधानमंत्री राज्य के बाशीरहाट और हावड़ा में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। चुनाव आयोग ने तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी को कालीघाट स्थित उनके घर पर कारण बताओ नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। ममता को नोटिस का जवाब देने के लिए 22 अप्रैल तक का समय दिया गया है। भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज चुनाव आयोग से मुलाकात कर टीएमसी समर्थित उम्मीदवार रजाक मोल्ला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पार्टी ने मोल्ला पर भड़काऊ बयान देकर आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। केरल में सत्तारूढ़ यूडीएफ ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में पार्टी ने सभी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और किसान पेंशन को बढ़ाकर 1000 करने का वादा किया गया है। डीएमके अध्यक्ष विजयकांत विवादों में घिर गए हैं। विजयकांत पर सलेम में एक पत्रकार को कथित तौर पर धमकाने का आरोप लगा है। विपक्षी दलों ने घटना की कड़ी निंदा की है। भाजपा ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 26 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने हाई प्रोफाइल आर के नगर सीट से एमएन राजा को चुनाव मैदान में उतारा है। तमिलनाडु में 41 सीटों पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस ने भी 33 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस डीएमके गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में है। वहीं पीएमके ने भी 5 उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी है। पार्टी ने आर के नगर से पी एग्नेस को टिकट दिया है, जहां से मुख्यमंत्री जयललिता चुनाव मैदान में हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के खर्च की निगरानी के लिए 12 व्यय पर्यवेक्षकों की एक टीम चेन्नई पहुंच गई है। इस टीम में भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय राजस्व सेवा और भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा सेवा के अधिकारी शामिल हैं। पुडुचेरी में 16 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सीआरपीएफ की 25 टुकड़ियां भेजी जाएंगी। पुडुचेरी के जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 2500 सीआरपीएफ जवान चुनाव ड्यूटी पर तैनात किए जाएंगे। और जनादेश के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।